गेल गैस लिमिटेड ने धनबाद जिले में पहली बार पुटकी एवं निरसा में सीएनजी स्टेशन की शुरुआत की। निरसा के सर्विस सेंटर में और पुटकी के गुप्ता पेट्रोलियम में आज सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि सीएनजी पेट्रोल और डीजल के मुकाबले ज्यादा किफायती, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल है। इन दोनों सीएनजी स्टेशनों पर प्रतिदिन 3000 किलोग्राम सीएनजी की क्षमता है। यह प्रतिदिन लगभग 500 ऑटो और 250 कारों और वाणिज्यिक वाहनों को ईंधन देने की क्षमता रखते हैं। वहीं सीएनजी स्टेशनों के शुरू होने के साथ ही धनबाद जिला झारखंड के ग्रीन मैप पर गाड़ियों के लिए सीएनजी की आपूर्ति करने वाला चौथा शहर बन गया। प्राइम मिनिस्टर का जो टारगेट है जो भाई इम्पोर्ट कितना कम किया जाए, हम लोगों का मतलब पेट्रोल डीजल क्रूड इसका इम्पोर्ट कितना कम किया जाए और गैस को कितना आगे दिया जाए, तो सीएनजी का साथ साथ हम घरेलू गैस का भी हम लोग ये कर रहा है। सिटी में हम जो डोमेस्टिक पाइपलाइन हम भी अभी मतलब हमारा स्टील गेट का तरफ हम लोग का काम चल रहा है। आज गुप्ता पेट्रोलियम में ये सीएनजी का उद्घाटन जो है धनबाद में पहला सीएनजी स्टेशन हम लोगों ने आज लगाया दो जगह पे, गुप्ता और निरसा में। तो इससे निश्चित तौर से जो है एक प्रदूषण रहित जो फ्यूल है वो मिलेगा लोगों को और ये सस्ता भी है और इससे जो हाइड्रोकार्बन गैसेस प्रोड्यूस होते हैं वो भी कम है और ये सेफ भी है। तो ये निश्चित तौर से धनबाद के जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उसके लिए ये एक वरदान साबित होने वाला है। सर आगे भी कुछ और टारगेट जी? आगे और क्या? आगे हमारा है कि हम लोग दो और रिटेल आउटलेट में अगले महीने तक जो है ये सीएनजी लगा देंगे धनबाद में। और ये हमारे गेल गैस के साथ में एमओयू है जिसके तहत हम लोग ये चार आउटलेट में धनबाद डिस्ट्रिक्ट में अगले दो महीने में हम लोग सीएनजी स्टेशन। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।